लीला भंसाली की अगर फिल्में देखें, पद्मावत हो, चाहे बाजीराव मस्तानी हो, रामलीला हो, और पीछे चले जाएं देवदास और हम दिल दे चुके सनम, ब्लैक हो गया, तो इन फिल्मों में जितनी भी एक्ट्रेस थी उनके डायलॉग डिलीवरी बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि उनका करेक्टर बहुत ही मोर पावरफुल देन द एक्टर होता था। अब देखें उनके डायलॉग्स इतने ज़्यादा होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते थे। जैसे देवदास में देख लो, अब मधुरी और ऐश्वर्या दोनों ही थे, डायलॉग बैटल बहुत अच्छी चलती थी, उनको पता था स्टोरी, उन्होंने उनकी फाउंडेशन स्टोरी की इन डायलॉग्स पर थी। अब सांवरिया के बाद ये कहीं जाकर ऐसा एक्सपेरिमेंट उसने फिर दोबारा किया है कि ये करेक्टर एक उस एक्ट्रेस को दिया है जिस वो अपीयरेंस भी देखे ऐसे स्टूडेंट टाइप की लगती है, इतनी स्ट्रांग उसकी फिजिक नहीं है, वॉइस भी उस तरह की नहीं है, लेकिन अब देखें उसको ज़्यादातर मेकअप इसलिए दिया गया है ताकि थोड़ा ना मेच्योर नज़र आए, लेकिन उसकी वॉइस पिच उस तरह की नहीं है कि पता चले कि कोई बड़ा अच्छे स्टेटस वाली रोबदार आवाज़ नहीं है, तो ये थोड़ा वीक पॉइंट है इसमें। लेकिन इस दफ़ा स्टोरी अच्छी है, और देखें लोग निपो निपो कर स्लोगन भी नहीं रेज कर रहे, क्योंकि तो पिछली दफ़ा सड़क के साथ जो हुआ वो तो IMDb रेटिंग पर आ गया सारा कुछ। इस दफ़ा स्टोरी अच्छी है, गंगूबाई की स्टोरी है, अगर रियल लाइफ में उसकी स्टोरी को अगर देखें, आई थिंक कुछ साल पहले, मे बी 2013 और पहले कहीं एक कोई एक्ट्रेस ने पहले इस तरह की कोई फिल्म की है, ठीक। और इस तरह के करेक्टर्स में हमने पहले भी देखा है, कंगना रनौत शी इज़ वेरी स्ट्रांग, नो मैटर वॉट एवर शी इज़, उसकी वॉइस अच्छी है। अगर स्टोरी अकेली उसको ही दी जाए जैसे कोहिना और दूसरी तनु एड्स मनोहर, तो उसकी वॉइस से पता चलता है कि वो स्टोरी को सही लेकर चलेगी। और विद्या बालन की मूवी भी एक इस तरह की थी जिसमें वो एक प्लेस को रन कर रही थी, तो वो आई थिंक मे बी वो उसको आई डो आई फॉरगॉट द मूवी नेम ऑल्सो, तो वो भी ठीक थी करेक्टर, लेकिन ये एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन इसको थोड़ा बहुत सहारा देने के लिए अजय देवगन एंटर हुए हैं। अजय देवगन ऑलरेडी पुरानी फिल्मों में, वंस अपॉन अ टाइम मूवी जैसी फिल्मों में, कंपनी जैसी फिल्मों में इस तरह का रोल करते रहे हैं, तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेगा। लेकिन लास्ट नॉट द लीस्ट विजय राज, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, और उसी वजह से लाजमी बात है लोग फिल्म ज़रूर देखेंगे। सड़क में ही था आई थिंक द एक्टर राइट, एंड उसके बाद ये थोड़ा सा कोई डिफरेंट रोल किया है। आशुतोष राणा ने भी इस तरह का रोल थोड़ा किया था, बट ये थोड़ा मॉडरेट है, लोग लाजमी देखेंगे। और गंगूबाई की अगर स्टोरी देखें तो उसने कैसे एक बड़े डॉन को राखी पहनाई थी, समटाइम्स किसी पावरफुल बंदे के सामने अगर आप अल्फाजों की मार दे दें तो वो आप पर सारी ज़िंदगी मेहरबान होगा और आपके रिस्पेक्ट करेगा। गंगूबाई के साथ भी थोड़ा इसी तरह हुआ था, एंड शी नोज़ हाउ टू टॉक विद पीपल इन पावर ऑल्सो, और आम बंदों के साथ। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कहीं गांव से आई, शहर में आई, और जिसके साथ आई थी उसी ने उसको बेच दिया। उसके बाद उसने अपने आप को कहा चलें, पहले तो वो थोड़ा ड्रामा ड्रामा करती रही, फिर बाद में उसने कहा यही मेरी ज़िंदगी है, और उसके बाद उसने फिर दूसरी औरतों के राइट्स के लिए जो बात की, फिर पॉलिटिक्स में आई। ये सारा ट्रेलर में ऑलरेडी समराइज किया हुआ है, दिखाया हुआ है, आई होप ये इन्जॉय करेंगे। फिल्म देखने वाली है, गुड टू सी हर इन अ न्यू एवेंचर, एंड होपफुली विशिंग हर गुड लक। उसका करियर दाव पे है, ऑलरेडी अच्छी फिल्में नहीं मिली उसको, थोड़ा बैकफुट पड़ती है, अब आइए फिल्म बनाने के लिए देखें। अच्छा है, संजय लीला भंसाली की प्रोडक्शन है, लाजमी बहुत चीज़ों पर काम हो रहा होगा, सेट और चीज़ सारी चीज़ें डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा काम किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बेरिंग मी, हैव अ ग्रेट वॉच, टेक योर लव एंड स्टे सेफ, एंड ट्राई टू रीड द रियल वर्जन सो दैट यू विल नॉट समराइज कि क्या कुछ बताया फिल्म में। बाय बाय।